हेलो गाइस, कैसे हो सब? तैयार आ चुके हो नए वीडियो के साथ। और आज की ये वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ साउथ की टॉप 5 सोशल मैसेज देने वाली फिल्मों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो यार सभी फिल्में किसी ना किसी मकसद से बनाई जाती हैं और लगभग सभी फिल्मों में ही एक कोई ना कोई मैसेज जरूर छुपा होता है। बट वो यार देखने वाले के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि यार वो उस बात को पकड़ पाता है या नहीं। बट आज हम जिन 5 फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं वो स्पेशली सोशल मैसेज देने की कोशिश करती हैं। सभी फिल्म में आप सभी को अलग अलग सोशल मैसेज देखने को मिल जाएगा और इन फिल्मों से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो यार फिल्में काफी गजब की हैं और ये टॉपिक भी काफी गजब का है। इस टॉपिक का आइडिया हमारे सब्सक्राइबर जिनका नाम है प्रकाश सेन, उन्होंने मुझे दिया और मुझे ये काफी बढ़िया लगा, तो यार मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। प्रकाश भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार नीचे कॉमेंट करके जरूर बता देना मैंने आपके लिए ही स्पेशल ये वीडियो बनाई है। सो यार आप बहुत हो गया ज्ञान की बातें, आप चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर जो मूवी आती है इसका नाम है यू टर्न। फिल्म को रिलीज कराया गया था 2018 में। फिल्म के रीडोल में हम सभी को समानता की नैनी, आदिप इनिशेट्टी, भूमिका चावला, नारायण, राहुल और भी कई सारे कलाकार देखने को मिल जाते हैं। आईएमडीबी ने इस फिल्म को 10 में से 7 की रेटिंग दी और 92% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात की जाए फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में, सो यार फिल्म की कहानी बेस्ड है एक फ्लाईओवर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जहां से जो भी यू टर्न लेता है उसकी मौत हो जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है वो इस फिल्म में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस फिल्म की जो मिस्ट्री और थ्रिलर है ना वो आपको फिल्म के एंड तक बांध के रखती है। और इस फिल्म का जो सबसे जबरदस्त सीन है वो है इसका क्लाइमैक्स। जी हाँ दोस्तों, जब क्लाइमैक्स में वो चीज रिवील होती है ना तो सच्ची में यार हैरान कर देती है और वहीं से हमें काफी बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर एक काफी कमाल का सोशल मैसेज हमें मिल जाता है। सो यार फिल्म काफी गजब की है, काफी बढ़िया सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। सो अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए और आपने देखा है तो यार कमेंट करके बताओ कि यार ये फिल्म आपको कैसी लगी थी। नंबर 4 पर जो मूवी आती है इसका नाम है डियर कॉमरेड। फिल्म को रिलीज कराया गया था 2019 में। फिल्म के रीडोल में आप सभी को विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना, सुरुति रामाचंद्रा, राज अर्जुन और भी कई सारे कलाकार देखने को मिल जाते हैं। आईएमडीबी ने इस फिल्म को 10 में से 7.3 की रेटिंग दी और 92% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया था। बात की जाए फिल्म के बारे में, सो यार इस फिल्म के बारे में क्या ही बात करूं, लगभग सभी लोगों ने इस फिल्म को देख ही रखा होगा। जी हां दोस्तों, वो ये फिल्म ऑलरेडी इतनी ज्यादा फेमस है। बट यार मैंने इस फिल्म को इस लिस्ट में इसलिए डाला, वैसे मैं इस फिल्म को इस लिस्ट में नहीं डालने वाला था बट इसलिए डाल लिया क्योंकि यार बहुत सारे विजय देवरकोंडा के फैन या रश्मिका मंदाना के फैन नीचे वीडियो में कमेंट करके बोलते कि भाई यार तूने डियर कॉमरेड क्यों नहीं डाला, तूने देखा ही नहीं होगा। इसलिए मैंने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इस फिल्म को इस लिस्ट में डाल दिया है। सो यार ये फिल्म एकदम गजब की है। जी हाँ दोस्तों, यार इस फिल्म के बारे में क्या ही बात करूं, जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो यार उनको इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई यार मास्टरपीस है, मिस तो बिल्कुल भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में जो सोशल मैसेज दिया गया है ना वो भी काफी गजब का। हमें लगता नहीं है कि यार ये एक सोशल मैसेज देने वाली फिल्म है बट जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हमें काफी कुछ समझ में आता है और काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। डियर कॉमरेड का मतलब क्या होता है वो भी आपको इस फिल्म में सीखने को मिलेगा और एकदम काफी कमाल की रोमांटिक एक्शन फिल्म है, काफी मस्त पागल मजनू की कहानी देखने को मिलने वाली है। सो यार फिल्म को जिन लोगों ने नहीं देखा इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई यार मिस मत करो, जाके देख लो। नंबर 3 पर जो मूवी आती है इसका नाम है पसंगा 2। फिल्म को रिलीज कराया गया था 2015 में। फिल्म के रीडोल में आप सभी को बिंदु माधवी, सूर्या, आमला पाउल, विद्या, कार्तिक कुमार और भी कई सारे कलाकार देखने को मिल जाते हैं। आईएमडीबी ने इस फिल्म को 10 में से 7.5 की रेटिंग दी और 92% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात की जाए फिल्म के बारे में, सो यार ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आप सभी को मस्त फैमिली ड्रामा के साथ साथ सोशल मैसेज देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर देखी होगी तो यार हल्की फुल्की उसी जैसा ही कॉन्सेप्ट है। बट हल्की फुल्की बोल रहा हूँ तो पूरा मत समझना, हल्का फुल्का सा उसी तरह का कॉन्सेप्ट है बट यार उससे काफी ज्यादा अलग फिल्म है और काफी बढ़िया है। ये फिल्म भी बच्चों को लेकर है, उसमें एक ही था तो इसमें कई सारों को लेकर बनाया गया है। काफी सही फिल्म है यार, मुझे काफी पसंद भी आई थी ये फिल्म। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए, काफी कमाल का सोशल मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। सो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना और जिन लोगों ने देखा है तो कमेंट करके बताना यार कैसी लगी थी। नंबर 2 पर जो मूवी आती है इसका नाम है उस्ताद होटल। फिल्म को रिलीज कराया गया था 2012 में। फिल्म के रीडोल में आप सभी को दुलकर सलमान, नित्या मेनन, तिलकान सिद्दीकी और भी कई सारे कलाकार नजर आ जाएंगे। बात की जाए फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, इस फिल्म को आईएमडीबी ने 10 में से 8.3 की रेटिंग दी और 95% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात की जाए फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में, सो यार फिल्म में आप सभी को एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसका यार
पैशन होता है शेफ बनना, बट यार उसके बाप जो है वह उसे कुछ और ही बनाना चाहते हैं। और कैसे वह अपने दादा के पास आ जाता है जो कि यार होटल चलाते हैं उस्ताद होटल के नाम से, वहीं से उसे बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। ये फिल्म जो है वो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यार बहुत अलग फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म सभी को समझ में आ जाएगी ऐसा नहीं है, ये फिल्म बहुत लोगों को शायद समझ में भी ना आए, बट फिल्म काफी गजब की। अगर आप इस फिल्म को ध्यान से देखोगे तो यार आप सभी को इस फिल्म का सोशल मैसेज और इस फिल्म की कहानी एकदम काफी मस्त तरीके से समझ में आ जाएगी। काफी हटके ये फिल्म है, अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए, काफी बढ़िया है फिल्म में। आप सभी को थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिल जाता है और काफी हटके फिल्म है, मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने देखा है तो कॉमेंट करके बताना कि यार कैसी लगी थी। नंबर वन पर जो मूवी आती है इसका नाम है अरूवी। फिल्म को रिलीज कराया गया था 2016 में। फिल्म के रीडोल में आप सभी को अदिति बालन, लक्ष्मी, श्वेता शेखर, मोहम्मद अली बैग और भी कई सारे कलाकार देखने को मिल जाते हैं। IMDb ने इस फिल्म को 10 में से 8.6 की रेटिंग दी और 96% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात की जाए फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में, सो यार ये फिल्म एकदम गजब की है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के बारे में जितना ही बताऊंगा उतना ही कम ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बट थोड़ा सा आपको हिंट दे ही देता हूँ, इस फिल्म में आप सभी को एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है जिसकी यार लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। जो उसे बेहद प्यार करने वाले माँ बाप होते हैं वो भी उसे छोड़ देते हैं। ऐसा उसके साथ क्या होता है और उसके साथ क्या क्या इसकी जिंदगी में बदलाव आते हैं, सभी इस फिल्म में देखने को मिलता है। ये फिल्म यार वन ऑफ द बेस्ट सोशल मैसेज से भरी पड़ी है ये फिल्म। इस फिल्म के कई सारे सीन से आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। फिल्म एकदम जबरदस्त है, फिल्म लड़कियों के लेकर बनी हुई है और इस फिल्म में आप सभी को बहुत बड़े इशूओं के ऊपर भी बात की गई है। सो यार फिल्म एकदम जबरदस्त है, अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो यार आपको अपनी लाइफ में इस जैसी फिल्म तो यार जरूर देखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यार ये फिल्म आप सभी को समझ में, आप में से मैक्सिमम लोग हो सकते हैं जिनको ये फिल्म समझ में आए और कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये फिल्म समझ में ना आए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यार ये एक सिंपल फिल्म नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आपको ये फिल्म समझ में आएगी। सो यार थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, बट फिल्म एकदम जबरदस्त है, मजा आ ही जाएगा। तो यार फिल्म एकदम मजेदार है, सोशल मैसेज से भरी पड़ी है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना चाहिए। और जिन लोगों ने देखा तो यार कमेंट करके बताओ कि यार ये फिल्म आपको कैसी लगी थी। सो यही थी साउथ की टॉप 5 सोशल मैसेज देने वाली फिल्में। अगर आपको ये फिल्में पसंद आती हैं तो यार इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में यार बताओ कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट ही मैं जल्दी लाने वाला हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो यार इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार हम साउथ मूवी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ सभी से को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।